मैं सबसे पहले आप तमाम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन मिलादुन्नबी अच्छे रकम से मनाएं और मुझे मस्जिदों को जाएं, नमाज पढ़े, दुआएं करें, क्योंकि कल का दिन हमारे प्यारे नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आज से 1400 साल ये रहा, हमारा ईमान मजबूत रहते समय मजबूत रहती। हाँ, एक चीज मैं जानता हूँ, मुसलमानों में इतनी बड़ी ताकत है कि हुजूर के नाम से, अल्लाह ताला के नाम से अगर कौन भी अंगली बता देना तभी हमें जीने तैयार नहीं है, मरने तैयार। तो ये चीज हमें कायम और दायम रखना, तभी हमारा इस्लाम मजहब ईमान मजबूत रहता। तो ये चीज भी कल का दिन जो ईद मिलादुन्नबी का जो दिन है, ये जरा गौर से सुनना। बना को दो रजाया है, एक तो रमजान मुबारक का, दूसरा बकरीद का, सही झूठ है, तीसरा मोहर्रम का। ये थोड़ा और बोल सकते बोले तो बोला देखिए, है क्या राजा? खासकर मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को मिला को सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, ऑफिस हैं, तो ये दिन की छोटी अनाउंस करना इसका भी छोटी मोटी बात नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का हुकूमत को नुकसान होता है, सही झूठी है। मतलब आसान से बोला जाए, कल एक दिन छुट्टी है ना, ये छुट्टी के पीछे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुकूमत उठाना पड़ता है। लेकिन ये नुकसान उठाने का भी सबक जनता दल पार्टी दूसरे कुंड में नहीं, शायद मालूम है या मुर्गी मालूम नहीं, ये देवेगौड़ा साहब विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह कर को जाते हैं। मौलाना उनको खाली वीपी सिंह नहीं बोलते थे, मौलाना वीपी सिंह कर को पकड़ते थे। ऐसा एक शख्सियत हिंदुस्तान के अंदर जनता दल हुकूमत बनी, जनता दल हुकूमत बनने के बाद एक मिलादुन्नबी की छुट्टी अनाउंस करने वाले वीपी सिंह और देवेगौड़ा साहब, दूसरे कौन भी नहीं, कांग्रेस हुकूमत ही है। तो आगे बढ़ को मैं यहाँ 4-5 दिन से मैं फिर रही हूँ, देख रही हूँ, घर घर मिल रही हूँ, हमारे माँ बहना से बोल रही हूँ, हमारे भाई से मिल रही हूँ। तो कहाँ की जगह एजुकेशन बहुत कम है, तालीम जो है बिल्कुल कम नजर आ रही है। अगर गलत बोलता रहा तो माफ करो, सही रहा तो अपना वैसे की ये चीज बोल रही हूँ। अब सामने तुम्हारे एक मिसाल के तौर पर सीमा कौन कर, अब स्टेज पर खड़ना बात करना तो दिल में सर का बात करता सर का नहीं, क्या बोलो, स्टेज पे हम ना बाइंड करता है इलेक्शन की वजह से, कानून क्या है उसके तहत हमें बात करना। हाँ, हमारा हक की आवाज हमें उठा सकती पूरे रकम हिंदुस्तान के हर फर्द को यह हक है। अब सीमा को सर बात करना तो एजुकेटेड तालीम याफ्ता, सही छुट्टी है। तो मैं हमारे माँ बहनों से भाइयों से गुजारिश करता हूँ, 3 वक्त तक खाना अल्लाह ताला दिया है, देखो है नहीं है, तुम्हारी ये कोशिश रहना 3 वक्त के खाने में एक कोर्स खाना खाने को ठुकरा हो, वो पैसे बचा को तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ, उससे तुम्हें आइंदा बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है। ऐसा तो इलेक्शन आती जाती हमें भी बोलती चल जाती, लेकिन तुम्हें वादा करके जाती एक बात तो इंशाल्लाह मई रंदे जितने भी हमारे बेंगलोर से ही हमारे वाजिदा को ही हमारे सीमा कौंसर ही हमारे दोस्त की जनाब जरा नाम मालूम नहीं, माफी चाहती हूँ। और साथ साथ यहाँ भी मेरे डांगा तरफ रफीक साहब बैठे, हमारे अमजद बैठे, निसार साहब बैठे, इनके फलजना बैठे, यहाँ भी जिम्मेदार रखना ही इंशाल्लाह। वो वादा तो करके जाता हूँ, कभी रंदे हमें क्या भी काम हाथ लगा छोड़ने के अंदर नहीं है, क्या बोलो, क्या भी काम को हाथ डाले तो छोड़ने का नहीं, लेकिन तुम्हें भी उसे पूरे रकम से करना पड़ रहा है। ये नहीं कि आरिफ है बोलल चले गए, सीमा कौशल है बोलल चले गए, इमरान है बोलल चले गए, वो बात नहीं है, बहुत बता रही हूँ। तो तुम्हारा सर्वे नंबर 5 और 6 का बहुत सालों से पेंडिंग है,
पीछे हो गए। अगर चाहता तो तुम्हारा एमएलए लॉ मिनिस्टर था, क्या बोला? लॉ मिनिस्टर था, कानून जानने वाला, कानून चलाने वाला सारी कर्नाटक के अंदर। ऐसा मिनिस्टर आपको ये तुमने हक पत्र नहीं दिया तो बहुत बड़ी नालायक ने काम का लायक आदमी नहीं। मैं मामूली काउंसलर जब मैं पहली बार जीतिया, मेरे इलाके में भी मोमिनपुरा ग्रुप एक है, शायद सुनी या नहीं मालूम नहीं, गोली पड़ा पार्लियामेंटपुरा के अंदर मोमिनपुरा ग्रुप है। जब मैं जीतिया तो दो साल खाली ज्यादा भी नहीं 560 पर तीन घर को मुसलमान घर को हक पत्र दिलाया, खाता खंदा कराया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। कितने साल में? दो साल। तो एक तरफ मुसलमान का हुआ, दूसरे तरफ बाजू से मोहम्मद पूरा जैसा खत्म होता बैठे हमारे एरिया के जिम्मेदार मोहतबर में बैठे, जैसा मोहम्मद पूरा खत्म होता बाजू जनता कॉलोनी, क्या बोला? मुझे तजुर्बा है इस चीज का, बाजू जनता कॉलोनी में 1500 चिल्लर घर गए घूम के नॉन मुस्लिम के, मुसलमान के 560 पर तीन मोहम्मद पूरा गैर घूम के 1500 चिल्लर घर घूम के, तो ये दो भी अलग से 2000 घर को हक पत्र खाता कंधा है कॉर्पोरेशन करा को उनके अस्थित उनकी प्रॉपर्टी पूरा रकम से पक्का करा तो देखो घूमी। और मैं 5-6 दिन से सुन रही हूँ, अब जो सत्यनारायण हमारे एमएलए थे उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दो, पेपर चालू में है, अल्लाह की क्या है, मौत एक दिन जाना, जो इंसान पैदा होता इंसान धंधे चरिन धंधे या परिन धंधे दिन मरना छो बरह। तो ऐसे में पापो सत्यनारायण का इंतकाल हुआ, पेपर मैं बहुत सारे आदमी के मुंह से सुनियो और रामनाथ में जान के अच्छा रामनाथ के मुंह से सुनियो और कौन के लम्बी कर को है उसके मुंह से सुनियो मैं और उग्रेश कर को है उसके मुंह से सुन को हमें पेपर तुम्हारे आज क्या करके तो सबसे बड़ी एक चीज है, कल कोसी हुकूमत करते क्या करते हैं अल्लाह जाने, हम ना हिंदुस्तान से बकाने बैठी तो तुमने घना छोड़ा थी होता है तो छोड़ते नहीं, ये तो चंद नालायक नालायक हुकूमत सेंट्रल में भी आ गया कर्नाटक में भी आ गया, मुसलमान के खून की प्यास है ना से भी हमें क्या करें अल्लाह जाने, समझ में तो ऐसे हुकूमत आने से पहले तुम्हें भी मजबूत रहना, डॉक्यूमेंट को फिरना काम करना। हमें बोले तुम्हें एक वादा करो, मैं मेरे इलाके में मैं 5 बार जीतना तो मजाक नहीं है, सही है? सही बात, सही झूठ है? लगातार हर 25 साल गुजारी हूँ सियासत के अंदर, समझ में आ रहा? मैं कॉर्पोरेट को खाली छोटे पंच काम कर लेते हैं, रियासत के जो भी चीफ मिनिस्टर थे उनसे ताल्लुकात रखी हूँ, डिप्टी सीएम रहे उनसे ताल्लुकात रखो होंगे, मिनिस्टर से ताल्लुकात रखो होंगे, अगर तुम्हें चाह को समझ में आ रहा पूरे दिल के साथ नहीं, यहाँ जो कैंडिडेट है एमएलए जनता दल सेकुलर से ये पार्टी को तुम्हें अगर जीता है उन्हें जीत को हारी तो मेरी जिम्मेदारी, क्या बोला? हराए तो मेरी जिम्मेदारी खुला पर बोलिए, जब पावर तुम्हारे हाथ में आ रहा है, पावर मिल रहा है एमएलए को, हमारी एमएलए जब पावर मिल रहा है तो हमारा हक बोलता है, ऑलरेडी इमरान भटकर को है कुमार स्वामी का देवगढ़ सबसे इमरान भटकर को है, पर पहला काम ये काम हक पत्र का, हक पत्र के भी बड़ी बात नहीं मिल जाता, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना कॉर्पोरेशन में तुम्हारे खाता करना कराना, तब भी तुम्हारा ये पूरा रकम से पावरफुल डॉक्यूमेंट है, ऑलरेडी करा दे 560 पर तीन का तो 2060 पर 3000 घर का ऑलरेडी मैं करा को देखू ये चीज, तो इसके आवाज़ में क्या बोलू तुम्हारे साथ बोल, मैं ये पता रहना नहीं रही ये बात देख डालेंगे, जब बार तो मुसलमान दिए नहीं हमारे भाई पांव से बैठ को बोलते थे अच्छी बात बोलो, हमारे सामने सूरत इस नहीं लग जा सकते तो क्या कर सकते बोले, सही कह दे।